Good morning, students. Today we are going to study about a very important aspect of this chapter number 2. That is how we will be finding out the relationship of total utility and marginal utility. आज मैं इसके बारे में आपको दोबारा से बता रही हूँ, because हमें इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, हमें law of diminishing marginal utility पढ़नी है. I hope it's been very clear to you. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये एक रिलेशनशिप के बारे में समझ में आए. जब तक हम रिलेशनशिप के बारे में नहीं समझेंगे तो हम लोग को ये लॉ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फंडामेंटल लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जिसको, उसके बारे में हम जान नहीं पाएंगे. ठीक है, तो एक बार हम लोग चालू करते हैं अपने वीडियो से कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पिछले वीडियो में. द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट कंज्यूम ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी. जो टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने में किसी भी कमोडिटी के, तो उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी वो एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हर सक्सेसिव यूनिट पे हमें एक एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप, इन दोनों यूटिलिटी की रिलेशनशिप क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है, इस लॉ को पढ़ने के लिए अब हम लोग बात करेंगे. तो मैंने यहाँ पर आपको एक टेबुलर फॉर्मेशन से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसे, कि वो कैसे एक्सप्लेन की है. अब ध्यान से देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड, सबसे पहले हम लोग जो भी कमोडिटी की यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, जितनी भी कमोडिटी है उसकी जो हम लोग यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, वो हम लोग फर्स्ट कॉलम में डाला. सेकंड कॉलम में हमने टोटल यूटिलिटी को डाला, और टोटल यूटिलिटी जो हमारे को पहला जो हमने कमोडिटी कंज्यूम की थी उससे हमें जो यूटिलिटी मिली 20. फिर हमने दो कमोडिटी जब हमने दो कमोडिटी जो हमने कंज्यूम करी उससे हमें टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, 35. फिर हम जब तीसरी पे आए तब हमें टोटल तीन कमोडिटी कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिली, 45 टोटल. फिर हम फोर्थ पे गए 50, फिर फिफ्थ पे गए तो 50 दोबारा से. ठीक है, अब जब हम सिक्स्थ यूनिट, छह यूनिट टोटल हमने करी तो 45, यानी कि हमारी यूटिलिटी अब कम हो गई. तो हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और यूनिट कंज्यूम की. पर अब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की. अब मार्जिनल यूटिलिटी वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो हमें हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो हमारे को 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, पर हम जब दूसरी पे आए एक एक्स्ट्रा करी हमने तो हमारे को 15 मिली, यानी कि टोटल यूटिलिटी इसको इससे माइनस, यानी जो टोटल दो कमोडिटी की जो यूटिलिटी थी उसमें से जब हम लोग फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी. फिर हमने एक्स्ट्रा थर्ड यूनिट करी तब हमारे को कितनी एक्स्ट्रा मिली, इसको इससे माइनस करके 10. फिर हमने फोर्थ करी 5. जब पांचवी यूनिट पे आए तो हमारी जो यूटिलिटी जो थी, टोटल यूटिलिटी जो हमें वहाँ चली वो सेम थी फोर्थ यूनिट की. ठीक है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा कुछ हुआ ही नहीं, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी हुई नहीं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0. और छठी पे जो हमारा डिक्रीज हो गया टोटल यूटिलिटी, मतलब जो भी हमारे को मार्जिनल एडिशनल जो मिल रहा था यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करने से, वो एक्स्ट्रा मिलना हमारा बंद हो गया और हम लोग कहाँ चले गए, नेगेटिव में चले गए. आगे की बात समझ में. अब हमने इसी टेबल को यहाँ एक ग्राफ में शो किया है, दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी. ठीक है,
y एक्सिस पे प्लॉट किया है, और जब हम इसकी प्लॉटिंग हमारे ग्राफ में कर देंगे तो इस तरीके की शेप हमारा ग्राफ में ले लेगा। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू। नाउ अब हमने इस ग्राफ में हम लोग क्या दे रहे हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट में दिया है। कैसे दिया है, जैसे टोटली जो यूटिलिटी है, फर्स्टली व्हेन वी आर स्टार्टिंग कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज होती है पॉजिटिव है, और जो यानी जो टोटल यूटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ तक ये क्या है, पॉजिटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, ये कम होती चाहिए क्योंकि हर यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जो हम अभी हम लॉकडाउन में पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु ये पॉजिटिव रहेगी जब तक इंक्रीज रहेगी क्या, टोटल यूटिलिटी। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू। बट जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, जब हमारी टोटल यूटिलिटी जब हमने जितनी भी यूनिट कंज्यूम करी वो टोटल हाईएस्ट पे पहुंच जाएगी, टोटल जितना भी सेटिस्फेक्शन हमें जितने भी यूटिल्स को चाहिए था वो हमें यहाँ मिल जाएगा, एट दैट टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी एट जीरो। कितनी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो हो जाएगी। कब, जब मैक्सिमम होगी, क्या मैक्सिमम होगी, टोटल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी, और जब हमारी टोटल यूटिलिटी डाउन होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच जाएगी। तो ये रिलेशनशिप है कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव रहती है मार्जिनल यूटिलिटी, पर टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट में पहुंच जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और जब गिरने लगती है तो एट दैट टाइम हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में पहुंच जाती है। अब जब हाईएस्ट है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और नेगेटिव है मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिसफेक्शन। पॉइंट ऑफ सैटिसफेक्शन मतलब अटमोस्ट सैटिस्फैक्शन। ये एक ऐसा समय होता है जब हमें पूरा सैटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, किससे, द क्वांटिटी कंज्यूम, जो भी क्वांटिटी हम लोग यानी कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे हमें फुल सैटिस्फैक्शन मिल रहा होता है उस समय, ठीक है। अब हम लोग यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच, मैंने आपको बताया था कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में, यूटिलिटी की हम कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि ये कार्डिनल अप्रोच क्या है फॉर कैलकुलेटिंग द यूटिलिटी। उस अब हम ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स हुए हैं जिन्होंने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडीज किए हैं, ठीक है, तो जैसे गोजैन है, मार्शल है, जेवल्स है, वॉर्डरस है, मेंगर है, ये जो थे ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच से यूटिलिटी को कैलकुलेट किया है। पर अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ गोजैन पढ़ेंगे या मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ गोजैन एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो था जो इकोनॉमिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक ये बेसिक लॉज बताए थे बनाए थे, ठीक है, कौन कौन से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, सिंगल कमोडिटी से जो हम लोग से सैटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है कंज्यूम करने पर, और तीसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं तो उसमें इक्वलिटी कैसे हम लोग लेके आएंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ेंगे। आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं आज, जो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लॉ है जो कि हमें ये बताता है कि ये जो यूटिलिटीज है ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं दिस लॉ वॉज फर्स्ट एंड इनिशियली प्रपाउंडेड बाय मार्शल, यानी इनिशियली तो इसको गोजैन ने कह रहा, सॉरी इनिशियली इट वॉज प्रपाउंडेड बाय गोजैन,
ही वॉज अ जर्मन इकोनॉमिस्ट जिसने इसको इनिशियली प्रोपाउंड किया था, बट इसका सिस्टमैटिक जो प्रेजेंटेशन जो दिया सिस्टमैटिकली ये बताया कि ये लॉ कैसे काम करेगा वो बताया गया था मार्शल के द्वारा. अब ये लॉ कहता क्या है, व्हाट इज दिस लॉ सेइंग टू अस? तो ये लॉ कह रहा है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे हम लोग ज्यादा एक कर ली फिर दूसरी कर ली तीसरी कर ली चौथी कर ली, तो जैसे हम लोग कमोडिटी को यूज करना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है एवरी सक्सेसिव यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो स्टार्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सक्सेसिव यूनिट एडिशनल यूनिट जो हमें मिल रही है तो वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. जो मैंने यहाँ पर खाली ये और ये पर वहाँ पर डायग्राम बताया है और उसकी प्लॉटिंग यहाँ पर बताई है. द यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट विल स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग. That is the statement of the law. ये law ये statement देता है. अब देखिए अब ये जो point वो है इसको हम लोग point of stability बोलेंगे. zero level पे जब हमारी commodity आ जाएगी x axis के और ये y axis है, जब यहाँ पर हमारा zero level पे आ जाएगा तो उसको point of stability बोलेंगे और point of utmost satisfaction हम लोग बोलेंगे. I hope it has been very clear to you. Now there are certain assumptions of the law. इस law के कुछ assumptions भी हैं. ये law कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ क्या कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये law काम करता है उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले जो भी हम commodity की unit consume कर रहे हैं, every unit जो हम consume कर रहे हैं उसका size जो होगा वो standard होगा, color, design, यानी हर क्वालिटी हर रिस्पेक्ट में वो हर यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी. ऐसा नहीं है कि पहली यूनिट हमने काफ़ी एक मोटी रोटी खा ली फिर दूसरी पतली खा ली फिर तीसरी थोड़ी मोटी खा ली, ऐसा नहीं. द सेम साइज कलर एवरीथिंग क्वालिटी शुड बी सेम. दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ दिस लॉ. द सेकेंड इज कि जो हम लोग कंसिडरेबली जो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं या जो भी कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड साइज के होगी. ये नहीं कोई बड़ी बहुत बड़ी है या छोटी है, ऐसा कुछ नहीं. द साइज शुड बी स्टैंडर्ड. आई होप इट इज बी. अब देयर शुड बी नो चेंजेस, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एक कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, फैशन में, इस कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए. The state of mind of the consumer should also be constant. Constant मतलब mind change नहीं होगा कि भाई आज मैं ये खा लूँ आज मैं वो खा लूँ. No, अभी मैं आम खा लूँ दूसरे टाइम केला खा लूँ और तीसरे टाइम apple खा लूँ. तो state of mind should be same. It should not change. Price of the that commodity should be constant during the consumption period. जो भी हमारा consumption period है उसमें price increase या decrease नहीं होना चाहिए. द प्राइस शुड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कंजम्पशन. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हियर. अब उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है ये कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, यानी मिलती रहनी चाहिए एक हद तक, या तो जीरो हो जाए जीरो हो जाए, ये कॉन्स्टेंटली हमें एक्स्ट्रा सक्सेसिव यूनिट से मिलती रहनी चाहिए. अगर नहीं मिलेगी तो हमारी नेगेटिव में जानी चाहिए जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट पे हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, हमें जीरो मिल रहा है. तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस हैं जब जहाँ पर ये जो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो काम नहीं करता. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस लॉ के. व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ? दिस लॉ डज नॉट ऑपरेट ऑन द रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स होते हैं. जैसे ताजमहल है, हम ताजमहल को बार बार जाके पसंद करते हैं देखना. हम ये जाते हैं कि वांट टू सी द ताजमहल हाउ इट इज, और जितनी बार जाते हैं उतनी बार हमारा मन नहीं भरता. तो ये लॉ यहाँ पे काम नहीं करता ऐसी जगह पे. ठीक है. दूसरा गजल्स म्यूजिक, जो म्यूजिक लवर्स हैं वो जितना अच्छी अच्छी गजल्स और म्यूजिक सिखाया जाए वो उतना ही पसंद करते हैं और चाहते हैं कोई और अच्छी चीज़. तो ये भी एक तरीके का
डिमिनिश हुआ था, जैसे एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी से कम थी, मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट से कम होती चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता इस एक्सेप्शन के अंदर। दूसरा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दारू पीना या सिगरेट पीना, जितना हम कंज्यूम करना चाहेंगे हम करते हैं ना, कभी उसका यूटिलिटी हमारे लिए कम होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। इसी वजह से ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर नहीं काम होता करता। अब ये जो लॉ है एक माइजर मैन के ऊपर भी काम नहीं करता। माइजर मैन जो कि एक कंजूस आदमी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उस पर ये लॉ काम नहीं करता। सो टुडे व्हाट वी हैव स्टार्टेड द रिलेशनशिप पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कार्डिनल अप्रोच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आज हमने पढ़ी, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी यानी कि सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी में जो भी हमारे को यूटिलिटी कैसे डील करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम कैसे अपनी यूटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहला चीज ली यहाँ का ए जो पॉइंट लिया वो लिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ यूटिलिटी इन द सिंगल कमोडिटी एंड देन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी ध्यान रखिएगा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं ऑफ यूटिलिटी, बिकॉज ये हर जगह, ये जो कुछ एक्सेप्शन बताएं उसके अलावा ये हर जगह काम करता है और ये बेसिक लॉ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिसको मार्शल ने दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो प्लीज़ go through the video, go through the